आप सब लोग एक चीज को महसूस कर रहे होंगे, मसला चाहे किसी बच्ची की बलात्कार का हो या बिला वजह का पीट पीट कर किसी की हत्या कर दी गई हो, सबसे पहले उसका धर्म निकाला जाता है। और जो लोग इस तरह की हिंसा का, इस तरह के नफरत का विरोध करते हैं, उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है कि आप कठुआ पे बोल रहे थे, आपने ट्विंकल पे क्यों नहीं बोला। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप झारखंड के घटना पे बोल रहे हैं, आप लखनऊ की घटना पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं यहाँ इस मंच से बस एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो तमाम चीजें धर्म के नाम पर हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है। वजह ये है, हर इंसान जिसके पास एक दिमाग है, जो सोच सकता है, और सोचने की इस वजह से वो जानवरों से अलग है और वो इंसान है। आज उसके इस सोचने की क्षमता को, महसूस करने की ताकत को, इंसानियत की उस भावना को मार करके नफरत और हिंसा की आग में झोंक कर भीड़ प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा है। भीड़ अपने आप नहीं बनते हैं, भीड़ बनाए जाते हैं। भीड़ इसलिए बनाए जाते हैं कि एक एक सोचने वाला इंसान ये ना सोच ले कि उसके पास नौकरी क्यों नहीं है, महिला ये ना सोच ले कि मेरे भाईजान को तो पढ़ने की इजाज़त है, मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। कोई गरीब यह ना सोच ले कि दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी हम झोपड़ी में रहते हैं, और जो लोग इस देश को लूट रहे हैं उनकी महलें ऊंची हो जा रही हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल को नज़रअंदाज करने के लिए, गुमराह करने के लिए भीड़ प्रयोगशालाओं में तैयार की जा रही है। और ये प्रयोगशाला है नफरत की, ये प्रयोगशाला है हिंसा की, ये प्रयोगशाला है कि आप हमसे अलग दिखते हैं इसीलिए हम आपको जीने का अधिकार नहीं देंगे। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता के खिलाफ हम लोगों को एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। मैं इस बात के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज भी कुछ लोग हैं जो किसी रेप के बाद यह नहीं देखते हैं कि जिसके साथ रेप हुआ है उसका धर्म क्या है, किसी की हत्या होती है तो यह नहीं देखते हैं कि उसका धर्म क्या है। तमाम नफरत और हिंसा के खिलाफ जो अमन पसंद, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो सड़कों पे निकल आते हैं। और आप जो सड़कों पे निकलने वाले लोग हैं, उन्हीं से लोकतंत्र की ये उम्मीद जिंदा है, और इसी उम्मीद के सहारे आज मैं आपके बीच खड़ा हूँ। और यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बतौर नेता मैं यहाँ नहीं आया हूँ, एक नागरिक की हैसियत से मैं भी आपकी तरह उस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाने आया हूँ, जो आवाज़ नफरत और हिंसा के खिलाफ उठती है, जो आवाज़ मोहब्बत के लिए, गैर बराबरी के खिलाफ, बराबरी के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, तमाम नागरिकों के नागरिक अधिकार के लिए उठती है, उस आवाज़ के साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। लेकिन जब हम आज यहाँ खड़े हैं तो ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा, सरकार जब चुनकर आई तो सरकार के मुखिया ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, किसका साथ किनका विकास और कैसे मिलेगा आपको उन माओं का विश्वास जिनके बच्चे मार दिए गए, कैसे मिलेगा आपको उन परिवारों का साथ जिससे उनका चिराग छीन लिया गया, कैसे मिलाएंगे आप उन बहनों से नज़र जिसके पति को मार दिया गया, कैसे देंगे उन सवालों का जवाब जब वो माएँ पूछेंगी कि क्यों हमारे बच्चों को जेलों में डाला गया। यह जो लोगों को मारा जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ धर्म नहीं है, धर्म को एक खोल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
एक बात मुझे आप सोच कर बताइए, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता हूँ, हर धर्म कहता है कि हम सबको उस ऊपर वाले ने बनाया है, जब उस ऊपर वाले ने बनाया है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी कब बन गई? ऊपर वाला हमारी रक्षा करने के लिए है, उसको हमको रक्षा करने की क्या ज़रूरत है? ये धर्म नहीं है, ये धोखा है। और ये धोखा इसलिए है कि हम अपने सवाल को भूल जाएं, नागरिक होने के चलते जो हमारे अधिकार हैं उसको हम भूल जाएं। मैं आपसे सिर्फ एक बात बोल करके अपनी बात ख़त्म करूंगा। हर जगह यह बात कही गई है कि किसी भी सूरत में नफरत जीत नहीं सकता, इसीलिए अगर आपके हार का एहसास हो रहा है तो उस एहसास पर पानी डालिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि ये हार नहीं है, ये उस बड़ी लड़ाई का आगाज है कि हर हाल में मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगा। हम यही सीखे हैं, हम इसी को समाज में लागू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।